फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का नेक्स्ट पार्ट यानी कि फास्ट एक्स आपके नजदीकी सिनेमाज में रिलीज हो चुका है हिंदी इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेजेस के साथ, जो कि मैंने देखा हिंदी डब में 3D के साथ। तो कैसी है मूवी, क्या आपको देखनी चाहिए? वेल, इसका आंसर तो आपको आगे वीडियो में मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस मूवी की छोटे में स्टोरी बताऊं, तो इस मूवी की स्टोरी कंटिन्यू की गई है पार्ट 5 से, जहां पर की डॉम और उसकी फैमिली मिलकर के उस ड्रग माफिया को मार देती है। और उस मूवी में जो हमको एक तिजोरी हाइस्ट वाला सीन देखने को मिला था, काफी बवाल था, उसको ही रिकैप करके इस मूवी में भी दिखाया गया है, लेकिन एक अलग एंगल से। इस बार उस पूरे सीन को विलन के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जिसमें कि हमको बताया गया है कि उस विलन का एक बेटा भी था, जिसका रोल प्ले किया है जेसन मोमोया ने। और भाई ऑनेस्टली इस बंदे ने इस रोल में कमाल किया है। पर खैर, इस पर आगे बात करेंगे। तो जेसन मोमोया का कैरेक्टर अपने डॉम यानी कि विन डीजल चचा और उसकी फैमिली से अपने बाप की मौत का बदला लेने आया है, जिसमें कि उसको इनको बस मारना ही नहीं है, बल्कि इनको सफरिंग, पेन और दर्द महसूस करवाना है। तो इस बार डॉम चाचा को दुनिया नहीं बचानी है, अपनी फैमिली बचानी है। और क्या वो उसको बचा पाएंगे या नहीं, ये तो आप मूवी देख कर ही जानो। इसके बाद में अगर आपको इस मूवी के अच्छे और बुरे पॉइंट्स बताऊं, तो उससे पहले ये क्लियर कर दूं कि भाई हम इस मूवी को लेकर फिजिक्स और लॉजिक की तो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम उन पर बात करेंगे तो हम ही चूतिया हैं और कोई नहीं। तो मूवी के अगर पहले पॉजिटिव्स पर बात करें, तो सबसे पहले आती है फैमिली। अब एक्शन सोच रहे देगा नहीं, क्योंकि ये पूरी फ्रेंचाइजी किसकी वजह से चल रही है? फैमिली। मूवी किस बारे में है? फैमिली के नाम पर ये फ्रेंचाइजी के 10 पार्ट्स निकाल चुके हैं। इट्स ऑल अबाउट फैमिली। और भाई इनका एकदम सही है, अगर इनको दुनिया को बचाना है तो पूरी फैमिली मिलकर बचाएगी। इवन इनको चोरी भी करनी है तो पूरी फैमिली मिलकर करेगी, या फिर किसी बंदे की लेनी भी हो तो पूरी फैमिली। इतना गंदा क्यों लग रहा है वे? पर खैर, मेरे कहने का मोटा मोटा मतलब यही था कि मूवी में जितने भी फैमिली वाले सीन्स हैं, वो एट द टाइम काम करते हैं, भले ही कुछ सीन्स में। इसके अलावा मूवी के दूसरे पॉजिटिव की बात करें, तो वो है इसका एक्शन। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा अगर फास्ट एंड फ्यूरियस का नाम सुनता होगा तो उसके माइंड में सबसे पहले यही आता होगा कि कार वाले बड़े बड़े एक्शन सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। और हाँ, वो इस पिक्चर में भी है, क्योंकि डॉम चचा आए हैं कार लेकर, तो कार वाला एक्शन करके जाएंगे। हाँ, इस बार वो कार स्पेस में लेकर नहीं गए, लेकिन हाँ, डॉम चचा पर विश्वास रखो, वो आपको पूरा मजा देकर जाएंगे। इसके बाद मूवी में इतने बड़े बड़े स्टंट्स, इतने सारे एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियस है मूवी में VFX और CG देखने को मिलेंगे, जिसमें कि भाई मूवी का बजट भी $340 मिलियन का है, तो कहीं पर भी CG और VFX में तो कोई कमी नहीं नजर आती है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छा आता है। इसके अलावा मूवी का अगला पॉजिटिव पॉइंट है, वो है जेसन मोमोया का विलन। भाई साहब, इस बंदे ने क्या साइकोटिक विलन का रोल पकड़ा है। जितने भी सीन्स में ये मूवी में है, देखने में मजा आती है। तो जो मेरे को मूवी में अच्छा लगा था वो यही था। इसके बाद अगर मूवी के नेगेटिव की बात करें, तो सबसे पहले तो भाई अपने विन डीजल चचा को ही ले लो, क्योंकि इन्होंने पिक्चर में एक्टिंग के नाम पर हक दिया है, क्योंकि पूरी पिक्चर में एक्सप्रेशन तो मानो इनके मुंह पर थे ही नहीं। देखो विन डीजल जी, आप बुरा मत मानना, आप पिक्चर के प्रोड्यूसर हो, जो मर्जी जो करो, लेकिन थोड़ी एक्टिंग भी कर दो। इसके अलावा मूवी में जिस तरह से नए नए कैरेक्टर इन लॉजिकल वे में प्रेजेंट किए गए हैं, हाँ मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हम इसमें लॉजिक की बात नहीं करेंगे, वो तो मैं एक्शन सीक्वेंसेस की बात कर रहा था, लेकिन इन्होंने तो कैरेक्टर प्रेजेंस में ही हक दिया है। जो कैरेक्टर पिछली मूवी में मर चुके थे, या फिर जो इन्होंने इस मूवी में नए इंट्रोड्यूस किए हैं, बेकार। जिसमें कि अगर मेरे को पर्सनली नाम लेना हो तो वो है भाई ब्री लार्सन का। इनका कैरेक्टर पिक्चर में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, वन ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर प्रेजेंस में रखूंगा इसको मैं, क्योंकि भाई मजा नहीं आती है। तो ओवरऑल फास्ट एक्स एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी है, जिसमें कि आपको बड़े बड़े कार वाले एक्शन सीक्वेंसेस, फैमिली वाली चीजें देखने को मिलेगी। और अगर आपको ये फ्रेंचाइजी पसंद है, इसके पहले के पार्ट्स बहुत अच्छे लगे थे, तो डेफिनेटली श्योर आपको इसमें भी मजा आएगा। लेकिन अगर आप कोई लॉजिकल एक्शन मूवी ढूंढ रहे हो, तो फिर ये आपके लिए नहीं है, नहीं। इसके अलावा आप इस मूवी को पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, क्योंकि ये फैमिली वाली पिक्चर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।